जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आपका एक बार नई वीडियो में फिर से स्वागत है। दोस्तों आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि आप हमें ट्रेनिंग सेंटर के बारे में बताएं कि हमें ट्रेनिंग सेंटर में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, हम जिम कर सकते हैं या नहीं, पढ़ सकते हैं या नहीं, और सिनेमा देख सकते हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है ये स्टार्टिंग में मेरे भी माइंड में था, सबके माइंड में होता है। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम यही डाउट क्लियर करेंगे कि आपको वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं, आपकी जो ट्रेनिंग है वो शुरू होती है दोस्तों वो सुबह के 5 बजे, नहीं सुबह के 4 बजे, और कभी कभी तो सुबह के 3 बजे भी स्टार्ट हो जाती है। क्यों दोस्तों? क्योंकि जब आपको हथियार निकालना होगा तो आपको उठना पड़ेगा सुबह 3 बजे, फ्रेश होना पड़ेगा और आपको जाके लाइन में लगना पड़ेगा हथियार लेने के लिए, क्योंकि आपकी सुबह 5 बजे ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। उससे पहले आपको हथियार लेके ग्राउंड में पहुंचना है और उसके लिए लगती है लंबी लाइनें, टाइम लगता है, ठीक है। तो उसके बाद का शेड्यूल, आप लोग जब ट्रेनिंग करके आओगे नाश्ता मिलेगा, नाश्ता करने के लिए आपको मुश्किल से 15 या 20 मिनट का रेस्ट मिलेगा, क्योंकि आपको नाश्ता करने के लिए लाइन लगानी पड़ेगी और लाइन के अंदर ही आपका काफ़ी टाइम निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर जब आप अगली क्लासेस लगा के आओगे, लंच के अंदर आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, आप उसमें खाना खा सकते हो और रेस्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर से आपको इवनिंग में या तो क्लासेस होंगी या फिर आपसे वर्किंग कराई जाएगी, तो आप उस टाइम भी फ्री नहीं रहोगे। शाम को रोल कॉल होगा 6 बजे या 5:30 बजे, रोल कॉल में आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद फिर वहाँ पर आधा पौना घंटा, 1 घंटा या 1.5 घंटा भी लग जाता है अगर कोई लेक्चर देना शुरू कर देता है। तो आप जब वहाँ से फ्री होगे तो लगभग 7:30 या 8 बज चुके होंगे, यानी कि लाइन लगी हुई मिलेगी। तो आप वहाँ जाओगे, अपना खाना खाओगे, वापस आओगे 8:30-9 बज जाएंगे आराम से। या हो सकता है कि अगर आप खाना खाने में सबसे लास्ट में लाइन लगाते हो थोड़ा टाइम लग जाए, तो आप 9:30-9 बजे के अराउंड फ्री होगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 9:30 बजे आप अपने घर वालों से बात करोगे, 9:30-9 बजे जब भी आप फ्री होगे, या फिर आप जिम की तरफ जाओगे या फिर आप अपनी बॉडी को रेस्ट दोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा बात करते हैं दोस्त कि जिम, हाँ ट्रेनिंग सेंटर में जिम होती है, लेकिन आपको सुबह से लेकर शाम तक इतना दौड़ाएंगे, डरा नहीं रहा हूँ आप लोगों को, आप रनिंग करोगे, आप वहाँ पे सिटअप लगाओगे, पीटी करोगे, ड्रिल करोगे, यानी काफ़ी सारी ट्रेनिंग होती है। पूरे दिन में आपको पैदल ही चलना है, दौड़ चाल में ही चलना है, तो आप लोग थक जाओगे और जिम की तरफ आप जो है मुँह भी नहीं करोगे, ठीक है। जिम होती है लेकिन आप वहाँ पर नहीं जाओगे, जाना चाहो तो जा सकते हो, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मूवी की, सिनेमा की। जो आप लोगों ने थंबनेल में देखा है उसको देख करके आप आए हो, वही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। सिनेमा जो है वो आप लोगों को सैटरडे को दिखाई जाएगी, शनिवार को दिन में नहीं, ट्रेनिंग टाइम में नहीं। आप अपना ट्रेनिंग टाइम पूरा कर लोगे उसके बाद, ठीक है, 8 बजे तक आप लोग जो है लाइन लगाओगे, खाना खाओगे 8:30 बजे, यानी 9 बजे के लिए आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगी कि 9 बजे जो है आप मूवी देखने के लिए ग्राउंड में मिलोगे, ठीक है। फिर आप 9 बजे मूवी देखने के लिए ग्राउंड में जाओगे, 10, 11, 12 बजे तक मूवी चलेगी, ठीक है, 2 या 2.5 घंटे की जो भी होगी। मूवी कोई भी हो सकती है, लेटेस्ट भी हो सकती है, उस पर कोई कंपल्शन नहीं है कि कौन सी मूवी लगाई जाए। वो मूवी आप देखोगे 12 बजे के आसपास, आपकी मूवी ख़त्म होगी, फिर आपको बोलेंगे कि आप अपने बैरक में जाके सो सकते हो, ठीक है। 12 बजे सो जाओगे, अगले दिन संडे होता है इसलिए आपको जो है सुबह 6 बजे बुलाया जाएगा, यानी आपको सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ेगा। तो वही रेस्ट आप लोगों को मिलेगा कि 6 बजे आपको ग्राउंड में आना है, वर्किंग के लिए आना है, या फिर नाश्ते के बाद आपको वर्किंग के लिए जाना है, वो आपकी ट्रेनिंग सेंटर के उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी ड्यूटी कैसे लगी है। आपका BHM डिसाइड करेगा कि आपसे वर्किंग कहाँ और क्या करानी है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि वो मूवी देखना आपके लिए कंपलसरी है दोस्तों, ठीक है। आपको कि किसी का मन नहीं करेगा तो क्या करेंगे, तो भी आपको सिविल ड्रेस पहन के ग्राउंड में जाके बैठना पड़ेगा मूवी थिएटर के सामने, ठीक है। ये अलग बात है कि आप 1-1.5 घंटा बाद वहाँ से आ सकते हो और सो सकते हो, ठीक है। तो अब आप लोग कहोगे तो बड़ी गलत बात है, तो भाई फौज तो फौज होती है, उसमें तो रूल चलते हैं। तो उसके अंदर क्या है कि आपको मूवी देखने के लिए लाइन भी लगानी पड़ेगी, आप लाइन में जाओगे, लाइन से आप लोग वहाँ बैठोगे, हाँ वहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हो, उसके लिए आपको कोई नहीं रोकने वाला, मूवी आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी का मन नहीं करता है
तो आप लोग एक बार जाओ और आपको दिखे कि अब रोक नहीं रहे जाने के लिए, तब आप वापस आ सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके काम की रही होगी। तो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, आप समझते हो सब लोग, कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।